नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की खास खबरें। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को दो तमंचे भी बरामद हुए हैं। पकड़े गए बदमाशों ने पुलिस की टीम पर उस समय फायरिंग कर दी थी जब वो अलग अलग मोबाइल टावरों से 28 बैटरी चोरी कर भाग रहे थे। भागते समय बदमाशों की सेंट्रो कार पुलिस गाड़ी से जा टकराई थी। इस भीषण टक्कर में कोतवाली में तैनात दरोगा पुरोहित गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस को इन बदमाशों की सरगर्मी से तलाश थी। दरअसल 20 दिसंबर को 5 बदमाशों ने धनुरी के पास चोरी की घटना को अंजाम दिया था। भागते समय बदमाशों की सेंट्रो कार पुलिस से टकराई थी, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाते हुए बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। लेकिन बदमाशों की सेंट्रो कार और 28 बैटरी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था, तभी से पुलिस इन बदमाशों की धरपकड़ में लगी थी। क्राइम स्टोरी के लिए रुड़की से मिक्की जैदी की रिपोर्ट। धनौरी चौकी की कलियर थाना क्षेत्र से ये बैटरियां चुराई थी लगभग 28, उनमें से दो लोगों को कल गिरफ्तार किया गया और आज न्यायालय के समक्ष उन्हें प्रस्तुत किया जा रहा है। इन्होंने जब बैटरी चोरी किया उसी समय पुलिस को सूचना हो गई। पुलिस ने इन्हें घेरने की कोशिश की, लेकिन ये गाड़ी तेज चलाकर और पुलिस पर हमला करके ये आगे बढ़ गए और एक जगह इन्होंने पुलिस के बैरियर को तोड़ दिया। उसी समय इनकी गाड़ी पंचर हो गई। चलाने वाला ड्राइवर अकेला था उस समय, वो भाग लिया, जिससे कि उस समय उसे पकड़ा नहीं गया, लेकिन मुखबिर की सूचना पर कल इन्हें गिरफ्तार किया गया। इनके साथ के तीन लोग अभी गिरफ्तार होने बाकी हैं, जल्दी उन्हें पुलिस गिरफ्तार करेगी। इनसे उस समय 28 बैटरी बरामद हुई थी और एक जो सेंट्रो कार ये यूज कर रहे थे वो भी चोरी की कार थी, वो भी बरामद हुई। उत्तराखंड के काशीपुर में आज एक पेपर मिल के माध्यम से SDM और ASP काशीपुर ने 1200 लोगों को कंबल वितरित कर तराई क्षेत्र में ठिठुरती सर्दी में बड़ी राहत पहुंचाई। आपको बता दें कि काशीपुर स्थित प्रलोफिक पेपर मिल द्वारा आज ग्राम बेतवाला, बासखेड़ा और ग्राम पेगा सहित लगभग 11 गांव के 1200 गरीब ग्रामीणों को कंबल वितरित किए गए। इस दौरान कार्यक्रम में शिरकत करते हुए संयुक्त मजिस्ट्रेट विनीत तोमर, ASP डॉक्टर जगदीश चंद्र ने प्रलोफिक फैक्ट्री प्रबंधक को इस सराहनीय काम के लिए सराहा तो उन्होंने अन्य इंडस्ट्रियल से भी सर्दी में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आगे आने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए फैक्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर हेमंत कुमार जोधानी ने कहा कि गरीबों की सेवा ही सबसे बड़ा कर्म है। हम सबको चाहिए कि सरकार के साथ प्रत्येक व्यक्ति गरीबों की मदद के लिए आगे आए। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के काशीपुर से रफीक खान की रिपोर्ट। हम एक इंडस्ट्री के नाते ही समाज का एक हिस्सा है, जरूरतों को हम कुछ मदद कर पाए मुझे इस बात की खुशी है। लगभग 1200 कंबल आज बटे हैं और हमारे आसपास के गांवों में सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं। हमने उन्हें गांव के प्रधानों की वजह उनको इकट्ठा करके और उनसे सूचना लेके और उनको लाभान्वित करने का प्रयास किया है। पुलिस लाइन में SSP निवेदिता कुकरेती द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों का सैनिक सम्मेलन की मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान SSP निवेदिता कुकरेती द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया। साथ ही सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थानों में कर्मचारियों के लिए बनी बैरिकों के उचित रखरखाव व अन्य समस्याओं से जल्द निस्तारण हेतु उचित दिशा निर्देश दिए गए। मासिक अपराध गोष्ठी के दौरान SSP निवेदिता कुकरेती द्वारा सभी थाना प्रभारियों को बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के दृष्टिगत अपने अपने थाने क्षेत्रों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सड़क सुरक्षा के संबंध में आदेश दिए गए। निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्यवाही तथा ओवरलोडिंग, रेड लाइट जंप, वाहन चलाने के दौरान मोबाइल का प्रयोग करने, रैश ड्राइविंग, शराब पीकर वाहन चलाने, प्राइवेट वाहनों का कमर्शियल में इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही अनुरूप से करने के निर्देश दिए गए। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के चिल्हिया कस्बे में बर्डपुर मार्ग पर कपड़े की दुकान में रात को शॉर्ट सर्किट से आग लगने से पूरी दुकान जलकर खाक हो गई, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ। किसी तरह से पड़ोसियों ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। बताते चले, रात के समय तेज ठंड पड़ने से लोग अपने घरों में सुकून से सो रहे थे, तभी रामू वस्त्रालय नाम की दुकान में आग लगने से पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। दुकान में रखे 20,000 रुपए नकद और करीब 20 लाख का कपड़ा जल गया। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट। लमसम 11 और 11:30 के बीच में हुआ है और हम लोग सोए हुए थे। अब कैसे हुआ, अफनाहट हुई धुआं का, तो उसके बाद जागे हम लोग। उसके बाद दरवाजा खोले तो देखे कि पूरा एकदम आग फैली हुई थी भीषण, तो छत पे गए हम लोग। उसको कुछ लोगों को बुलाया, अगल बगल मोहल्ले के लोग, कुछ दुकानदार भाई लोग आए,
फिर आप पे काबू जब ले पाएगा तब तक दुकान पूरी जल के नष्ट हो गई। लमसम 28 से 20 लाख के करीब में नुकसान हुआ है और कुछ नगद 15-20 हजार के करीब में। इसमें जो है आग अग्निकांड की घटना में जो है इनका आवासीय और जो है दुकान व्यवसायिक चला है, इसमें जो भी सहायता होगा उसको दी जाएगी, सहायता होगा उसको। लगभग कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो उनका दुकान है तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ से जितना हो पाएगा 20 लाख के लगभग नुकसान दुकान था उसमें बता रहा था, जितना हमारे यहाँ सहायता हो पाएगा उतना मिलेगा। ऋषिकेश की कोतवाली पुलिस ने तीर्थ नगरी को किया गौरवान्वित। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डीजी कॉन्फ्रेंस में देश के 15,039 थानों में सबसे बेहतरीन पुलिस थानों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करने के साथ देश के टॉप 10 पुलिस थानों की सूची जारी की, जिसमें देहरादून जिले के ऋषिकेश कोतवाली को 8वां स्थान मिला है। कोतवाली ऋषिकेश के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह हमारे लिए गौरव की बात है, देश के थानों में उनकी कोतवाली को 8वां स्थान मिला है। कोतवाली पुलिस की उपलब्धि पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमेंद्र अग्रवाल ने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद कोतवाली पहुंचे और शहर कोतवाल प्रवीण सिंह कोशियारी सहित तमाम पुलिस कर्मियों को इस बड़ी उपलब्धि की बधाई दी। इन सबके बीच आज सुबह से ही कोतवाली में पुलिस कर्मियों को बधाई देने वालों का तांता लगना शुरू हो गया था। तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के अलावा व्यापारी संगठन से जुड़े लोग भी कोतवाली पहुंचे और भूखे बैठ कर पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। क्राइम स्टोरी के लिए ऋषिकेश से अमित सूरी की रिपोर्ट। ये गृह मंत्रालय भारत सरकार ने एक सर्वे करवाया था, उसमें तो इसमें जो है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और प्रिवेंटिव वर्क्स, उसके अलावा मैन मैनेजमेंट और थाने का रखरखाव, रिकॉर्ड्स का रखरखाव, जो शिकायत लोगों की आती है उसका रजिस्ट्रेशन क्या है और जो क्राइम है उसका प्रिवेंशन के हिसाब से करीब 80 मानकों पे एक रिसर्च किया था उन लोगों ने, तो काफ़ी गोपनीय तरीके से हुआ था वो, तो वो 2017 के हिसाब से जो है ये काफ़ी खुशी की बात है कि उत्तराखंड पुलिस के 2 थाने जो है इस रैंकिंग में स्थान पाए हैं टॉप 10 में, इसमें 8वें नंबर का हमारा किसी केस पुलिस स्टेशन भी। जो हमारे ऑल ओवर इंडिया में जो थाने हैं उनमें हमारे ऋषिकेश को ऑल ओवर इंडिया रैंक में हमारा 8वां स्थान हमें मिला है और उत्तराखंड के दूसरे थाने हल्द्वानी के थाने को 6ठा स्थान मिला है। ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत गर्व की बात है। मैं मान के चलता हूँ चूँकि ये मेरा विधानसभा क्षेत्र भी है और जो हमारे 6ठा जिनको स्थान मिला उनको भी बधाई है और यहाँ के 8वां स्थान मिला, इन सबको मैं बधाई देने के लिए आया हूँ, शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ। सहारनपुर में सरकारी बिजली के खंभों की चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार करने में थाना जनकपुरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना जनकपुरी प्रभारी शैलेंद्र कुमार शर्मा ने थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर बताया कि सरकारी बिजली के खंभों की चोरी करने वाले गिरोह के एक इंजीनियर सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने जनता रोड से शातिर अभियुक्त सुखविंदर नदीम मनोहर लाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 20 खंभे बरामद किए हैं। खंभों की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि तीनों अभियुक्त लंबे समय से सरकारी बिजली के खंभों की चोरी को अंजाम दे रहे थे। इनका एक अन्य साथी अमीर अहमद उर्फ भूरा फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जिला संवाददाता अंकुर सैनी की रिपोर्ट। टाटा कंपनी के बिजली के खंभे वहाँ कामधेनु इंडस्ट्रियल एरिया से चोरी हो गए थे, 75 खंभे थे और हम लोगों ने जो है इसमें 3 गिरफ्तार किए हैं। एक में सरदार सुखविंदर सिंह जी हैं, दूसरा जो इंजीनियर है टाटा कंपनी के, एक नदीम पुत्र अफजाल हैं और एक मनोहर लाल बिट्टू, ये 3 गिरफ्तार हैं और एक चौथा भूरा अमीर, क्या नाम है उसका, अमीर अहमद और भूरा फरार है, जिसको गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कितने खंभे बरामद हुए, कितने का मामला? इसमें जो है हमें 20 खंभे बरामद हो गए हैं जो करीब 3 लाख रुपये की बरामदगी हुई है।